जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकी घटना के बीच एक और खबर ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की AK-47 चोरी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से AK-47 चोरी हुई है वो आपको भी हिलाकर रख देगी। जानकारी के मुताबिक डोडा में एक व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी से गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी। पुलिसकर्मी ने गाड़ी में लिफ्ट भी दे दी, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को मौका मिला वो AK-47 लेकर फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SGF पोस्ट चिराला से SPO सफदर हुसैन ने मोहम्मद रफी को लिफ्ट दी थी। मोहम्मद रफी वही व्यक्ति है जो उस गाड़ी में सवार हुआ था। लिफ्ट मांगकर सफदर हुसैन के साथ बराबर में बैठा था, उसी मोहम्मद रफी ने मौका देखते ही गाड़ी से AK-47 चुरा ली। AK-47 चोरी कर भागा मोहम्मद रफी डोडा के ट्रोन निवासी मोहम्मद इकबाल का बेटा था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से मदद के नाम पर गाड़ी में लिफ्ट मांगता है। वहीं SPO सफदर हुसैन ने अपनी AK-47 अपनी गाड़ी में ही रख रखी थी। वो अपनी AK-47 लेकर जा रहे थे। वहीं एक दुकान पर पानी खरीदने के लिए जब वो डोडा पुल के पास उतरे तो उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में AK-47 छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है। उन्होंने अपनी AK-47 गाड़ी में ही छोड़ दी थी और इसके बाद वो पानी लेने के लिए चले गए। जैसे ही मोहम्मद रफी को मौका मिला वो गाड़ी से AK-47 लेकर भाग गए और अब मोहम्मद रफी और बंदूक गायब है। पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जिस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तब इस तरीके की घटना का होना चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखना ये होगा कि क्या मोहम्मद रफी आतंकवादी घटनाओं में खुद शामिल था या फिर वो खुद एक आतंकी था। इसे लेकर जांच जारी है और जैसे ही जांच पूरी होगी तो सामने आ जाएगा कि आतंकी घटनाओं को लेकर मोहम्मद रफी की क्या भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।